नेता तो नेता तो चले गए ना जयराम जाटव। कहाँ चले गए? अब वो तो सरकार ही गई, टिकट मिला नहीं उसको, टिकट नहीं मिला उनको, दूसरे को टिकट मिला। हाँ। तो दूसरे नहीं, जयराम ने खूब किया अपने लिए, खूब किया, बोर उसी ने दिया था, वो सरकारी, वो सरकारी जो बोर है पीएचडी का, थ्री फेस ना ना काई का पिछला बैच का आपका नहीं, कैसे मानूंगा मैं तो हूँ वहाँ में, 4.5 साल हुई और वो हट गया। तो आप बोल रहे कि उन्होंने बोर लगवाया तो फिर पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई जब बोर लगवाया? वो सर वो वाटर लेवल नीचे चले गई, और अब उसकी सरकार नहीं है, ऊपर था अब ज्यादा नीचे चला गया। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो चलता है, वाटर हार्वेस्टिंग वो घरों से और जमीन में पानी फिल करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जो पिछली सरकार ने चलाया था कि हर बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग, वो नहीं चलता? नहीं चलता। और सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पे बंदरों की है ना? बंदरों की है, बंदर अंदर तो रहने दो, तो भगवान के तो वो तो पानी की समस्या है सबसे ज्यादा। चलिए साहब, ये क्या दिखा रहे हैं इधर इधर? अच्छा, ये गंदगी बहुत है आपके पंचायत गांव में, इसको साफ नहीं करवाते आप लोग? नहीं, ये तो साफ, ये आदमी भी इतने ही गंदे हैं, आदमी आगे नहीं, ये सफाई क्यों नहीं, साफ क्यों नहीं रखते? देखो, ये सरपंच ऐसा ही है, वो कहीं सफाई कराएगा वो खुद की भर जाए। क्यों नहीं बोलते आप सरपंचों की, भाई साफ कराओ, ये सब गंदा पड़ा हुआ है, वो करा ही नहीं वो काम, झाड़ू वाड़ू मारो अपने ही मारो, साफ सफाई अपने। चलिए साहब, ये छाजू रामपुरा के लोग थे जो अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे, खेती किसानी को लेके और पीने के पानी को लेके सबसे ज्यादा चिंतित हैं। अच्छा, रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ पे? वो काम करवाई ना जाएंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? वो काम करने नहीं जाएंगे, कहाँ नहीं जाते काम करने? अलवर जाओ, हम काम करवा, अलवर क्यों नहीं जाते? 5-5, 6-6 हजार रुपए में अलवर जाएंगे तो फिर कमा के क्या खाएंगे? 300 रुपए मिले, 12 हजार हुए, वो तो ना जाएंगे, यहाँ बैठे रहो सब ठीक है। हमने खूब काम कर लिया, कुछ नहीं बचता, अपने गाड़ी का खर्चा देखा जाए, घर का खर्चा तो लग गई है। नौकरी वाटर वर्क्स में है ना, और दूसरे जो बैठे हैं उनके लिए आप बोल रहे हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये बता रहे हैं कि पैसे नहीं मिलते, बताइए। नहीं, मैं तो वहाँ मैं भी जाता हूँ ना कुमाबा, मैं जाता हूँ, 5-6 हजार रुपये में खर्चा चलता है क्या? आज अकेले इंसान का नहीं चल सकता, 4-5 हजार तो एक दिन में कुमा लूँ मैं। अच्छा, ऐसा क्या करते हैं आप? मैं बजरी बजरी को हूँ एजेंट, बजरी का तो यहाँ 2 नंबर का काम होता है। हाँ, वो तो करो कुछ तो करो, आप 2 नंबर का काम करते हैं। हाँ, अवैध खनन का काम करवाते हैं, अवैध ना है यार, बीके जो सप्लाई करते हैं। अच्छा, बताइए, आप खुद अवैध खनन का काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार है तो आप उनका बोल रहे हो कि ये काम नहीं करना चाह रहे, बताइए। नहीं, काम करना चाहिए ना, जब काम करोगे तो पैसा थोड़ी करेंगे भाई साहब, अवैध काम तो चोरी डकैती के थोड़ी करेंगे ऐसे भाई, अपने कम आगे खाने वाले, अगर पैसे मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने घर बैठे हैं आराम से भाई, बैठे रहो फिर यहाँ से कहना आवे पैसा है तो। चलिए भाई साहब, ये इनकी आपसी बातचीत थी, ये नौकरी के ऊपर बातचीत कर रहे थे। बहरहाल, यहाँ पे जो मेन समस्या है वो खेती की है, इन्होंने बताया सरकारी कोटे में पैसा बेचते हैं तो 2-3 महीने में आता है, बाकी पानी की भी समस्या है और बिजली की भी कमी है, जो 3 फेज की लाइट आती है उसकी कमी है। ये सारे लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे कैसे, और दूसरी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया कि यूरिया महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, और इनको जो पैसे हैं खाद के यूरिया के, वो सरकार के जो लोग हैं या फिर प्राइवेट जो लोग हैं वो बढ़ा के पैसे लेते हैं। तो ये सारी इनकी समस्याएं थी, राशन की भी समस्या बताई, नरेगा की भी समस्या बताई, ये समस्याएं बड़ी कॉमन सी हैं, हम जहाँ जा रहे हैं ये इन्हीं चीज़ों को हम सुनने को मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इस बार वोटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं राजस्थान में। बहरहाल, हम आगे बढ़ते रहेंगे और जो भी चीज़ें हमको मिलेंगी वो आपको दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए दिल ललन टॉप के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दिल ललन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।